Hello dear students.

कन्वर्ट करके लेके आई हूँ हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे ओके गाइस तो डोंट वरी कि आज सिर्फ मैम सिर्फ इंग्लिश में ही लेके आई हूँ ऐसा कुछ नहीं आज मैं हिंदी में भी सेशन लेके आई हूँ ठीक है तो गाइस सबसे पहले थॉट ऑफ़ हम लोग देखते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं ठीक है तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जब तक आप लड़ोगे नहीं ठीक है तो जीतोगे कैसे हारता भी वही है अपनी हार से कभी निराश नहीं होना हारता भी वही है जो लड़ता है क्योंकि भाई जो जो लड़ेगा ही नहीं उसे ना ना हार का पता ना, जीत का पता पता जीत तो भाई अगर आप में साहस है तो आप हर एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हो ठीक है गाइस ओके तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आपकी अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस ओके गाई, तो आज की जो हमारी क्लास है दिस इज आप सब ये आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन पे है ओके okay. तो गाइस सबसे पहले आप लोग एग्रीकल्चर डेट ट्वेंटी फोर सेवन को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ओके okay. तो गाइस आज आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका होने वाला है ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन के के ऊपर ऊपर ठीक है स्टूडेंट्स तो भाई आपका सेशन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति ठीक है इसको हम हिंदी में बोलते हैं गाइस हरित क्रांति ठीक है तो हरित क्रांति जो है गाइस ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है ठीके? तो गाइज आपका जो हरित क्रांति है ठीक है

कौन है ठीक है तो गाइज ये हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है और हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में कौन है कौन सी आ, कौन सी स्पेशीज के लिए लाया गया था कौन सी आ, किस्मों के लिए कौन सी फसलों के लिए इसे लाया गया था और कब ये इंडिया में आया था कब भारत में आया था ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओके गाइज तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं द टर्म यूज फॉर रैपिड इंक्रीज इन द वीट एंड राइस यील्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज ब्रॉट अबाउट बाय इंप्रूव वेराइटीज गाइज ये इसलिए एक्चुअली यूज करा गया था कि जो भी आपकी इंप्रूव्ड वेरायटीज होती हैं ठीक है थीके? जो भी आपकी इंप्रूव वेराइटी होती हैं अच्छी वेराइटी होती है एक्चुअली जो राइस हो गया वीट हो गया इनमें जो बहुत अच्छी और इंप्रूव्ड वेराइटीज के थ्रू पूरे कंट्री की जो ईल्ड थी उसको इंक्रीज करा जा सके ठीक है पूरे कंट्री की इंक्रीज करा जा सके हिंदी में भी हम लोग देख विकासशील देशों में गेहूं और चावल की पैदावार में तेजी से वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द उन्नत किस्मों द्वारा लाया गया तो गाइस ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जो ये शब्द है इसलिए लाया गया था कि भाई जो आपके डेवलपिंग कंट्री जो आपके विकासशील देश हैं उन देशों में जो आपके गेहूं और चावल की जो पैदावार है ठीक है गेहूं और चावल की जो पैदावार है उसे तेजी से बढ़ाया जा सके ओके सो द ऑफ राइस एंड एक्चुअली द इज रैपिडली इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज जो आपकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज है उनके यूज से क्या करा जा सके राइट राइस uh, और वीट के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके गेहूं और चावल की पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था इसको यूज करा गया था इसके लिए हरित क्रांति जो ये शब्द था इसे यूज करा गया था इसे प्रयोग में लाया गया था ठीक है दूसरा चीज इट वॉज एक्सपेंडेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर अदर इन केमिकल इनपुट तो गाइज इसमें आपके कुछ केमिकल्स भी यूज करे गए थे केमिकल्स इन द सेंस ऑफ फर्टिलाइजर तो देखो यहाँ पर यील्ड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को यूज करा गया था ठीक है? इसे उर्वरकों और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के साथ जोड़ा गया था इसे किसके साथ जोड़ा गया था? इसमें बहुत सारे उर्वरक और बहुत सारे रसायनों का प्रयोग भी करा गया था ठीक है आईसीआर फर्स्ट ईयर वाला फॉर्म फिल फिल अप कर सकता है नई कुमार आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप उसको फिल नहीं कर सकते ठीक है अगर आप फाइनल ईयर में हो क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन जो है नेसेसरी है तभी आप इसको फिल कर सकते हो ओके तो गाइज इस, इसे उर्वरक और रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के साथ इसे जोड़ा गया था ठीक है कि इसमें आपके रसायनों का बहुत ज्यादा यूज करा गया था उर्वरकों का बहुत ज्यादा यूज करा गया था तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति में आपको दो चीजें पता चल गई होंगी डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपकी गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए ठीक है विकासशील देशों में गेहूं और चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये ये जो शब्द था हरित क्रांति वो यूज करा गए वो प्रयोग में लाया गया था ठीक है तो होल सोल आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में राइस और व्हीट के येल्ड को इंक्रीज करने के लिए बाय द यूज ऑफ वेराइटी अच्छी अच्छी को अच्छी पैदावार को प्रयोग में ला करके इसकी, इसकी येल्ड को क्या करना था? इंक्रीज करना था इसकी पैदा इसकी जो आपकी ये इसकी जो आपकी, इसकी जो आपकी, इसकी जो आपकी इसकी पैदावार होती है उसमें तेजी से क्या करना था बढ़ावा लाना था ठीक है और दूसरा इसमें बहुत सारी उर्वरकों का भी प्रयोग करा गया था ठीक है गाइस ओके okay. दूसरी चीज इट हैज इट हैज इफेक्टिव इफेक्ट ऑन द इंक्री इनकम एंड ऑन इनकम्स एंड फूड सप्लाईज इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज तो भाई इसका जो एक इम्पैक्ट एक जो इफेक्टिव इम्पैक्ट पड़ा था वो इनकम पे पड़ा था एंड फूड सप्लाई के ऊपर पड़ा था ठीक है तो भाई ये जो आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी गाइज उसमें जो आपका इसका इफेक्टिव इम्पेक्ट पड़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन का वो उनकी इनकम पे पड़ा था ठीक है क्योंकि जैसे जैसे उनकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वैसे वैसे उसकी इनकम क्या हुई बहुत ज्यादा बढ़ती रही ठीक है गाइस ओके okay? तो इसे कई विकासशील देशों में आय और खाद्य आपूर्ति पर इसका प्रभाव इसका बहुत ज्यादा प्रभावी प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर विकासशील देशों की आय को बढ़ने में इसमें मदद मिली थी और उनकी खाद्य आपूर्ति में भी इसमें क्या हुआ था प्रभाव पड़ा था उनकी खाद्य आपूर्ति बढ़ गई थी और उनकी आय भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई थी किससे ग्रीन रिवॉल्यूशन से हरित क्रांति से दे विकासशील देशों की जो आय थी वो बढ़ गई थी ठीक है और उनकी खाद्य आपूर्ति भी बढ़ गई थी द द होल सोल फूड एंड इनकम इनकम ऑफ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीजो इंक्रीज्ड ये कब शुरू हुआ था तो हम लोग देख लेते हैं गाइस इट स्टार्ट इट वाज स्टार्टेड इन द 1967 एंड लास्ट टिल 1978 तो ये आपका शुरू हुआ था उन्नीस से और 1978 तक चला था कब तक चला था 1967 से शुरू हुआ था और कब तक चला था 1978 तक ये चला था इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 1967 टू टिल uh, 1978 ये आपका 1967 में स्टार्ट हुआ था और 1978 में खत्म हुआ था ठीक है गाइस ओके

कौन थे एनी बोर्ड थे ठीक है लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो इन कंटेक्स ऑफ इंडिया फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज एम एस स्वामीनाथन कौन है एम एस स्वामीनाथन है तो भारतीय हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन है ओके डियर स्टूडेंट्स तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक है आपके एम एस स्वामीनाथन जबकि हम विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है आपके एनी बोरलॉग है ओके सो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड इन कॉन्टेक्सट ऑफ वर्ल्ड दैट इज एनी बोरलॉग एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है एम एस स्वामीनाथन है ओके गाइस, इसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपका आता है बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपका पूछा जाता है ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसके अलावा और क्या आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन भाई आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन सी हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए ए पे ज्यादा ध्यान दिया गया था ठीक है हरित क्रांति के दौरान केंद्रित उच्च उपज वाली किस्म की फसलें जो उच्च उपज वाली किस्म की कौन कौन सी फसलें थी जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था हरित क्रांति में ओके okay? तो हाईली कॉन्सें हाईली हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप विच वॉज कॉन्सेंट्रेटेड सो मच इन द ग्रीन रिवोल्यूशन सब ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो हाई यील्डिंग वेराइटी थी जिनको ग्रो करा गया था वो कौन कौन सी थी तो गाइज वो थी आपकी वीट राइस ज्वार मेज एंड बाजरा ओके कौन कौन सी वेराइटीज थी गेहूं थी ठीक है कौन कौन सी आपकी किस्में थी बहुत उन्नत किस्में थी आपकी गेहूं थी चावल ज्वार मक्का और बाजरा ये आपकी ऐसी किस्में थी जिनको जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान ये हरित क्रांति में दिया गया था ओके ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन वेराइटीज पे बहुत ज्यादा इंफोसाइज किया गया था इन पे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन पे इन पर्टिकुलर क्रॉप्स पे गाइस बहुत ज्यादा इन पे इम्फोसाइज किया गया था इन क्रॉप्स की के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा गया था ठीक है तो भाई इन फसलों पे बहुत ज्यादा ध्यान ग्रीन रिवोल्यूशन में हरित क्रांति में दिया गया था ठीक है गैस इसके अलावा आपकी कुछ स्कीम्स भी आई थी आपकी कुछ योजनाएं भी आई थी तो उनको भी हम देख लेते हैं ये योजनाएं एग्जाम्स में पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है गाइज ओके सो स्कीम अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया और ये जो योजनाएं आई थी ये आपकी इंडिया में आई थी ओके तो so, गाइज जो आपकी स्कीम्स आई थी अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया Uh, ये है आपकी एम आई डी एच ठीक है एम आई डी एच एम आई डी एच क्या है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ओके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तो भाई ये कौन सी योजना है आपकी बागवानी के एकीकृत एक विकास के लिए मिशन ठीक है बागवानी के एकीकृत एक एक विकास के लिए मिशन ठीक है पहली योजना ये थी आपकी कौन सी थी बागवानी बागवानी क्या है हॉर्टिकल्चर जिसमें आप फल फूल लगाते हो ना वो बागवानी होता है ठीक है बागवानी के एकीकृत एक विकास के लिए एक मिशन था एम आई डी एच मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये आपका कंप्लीटली किसके कॉन्टेक्स में था हॉर्टिकल्चर के कॉन्टेक्स में ठीक है ये आपका बागवानी को लेकर के था ठीक है दूसरी योजना क्या थी दूसरी आपकी जो स्कीम थी गाइस एन एफ एस एम ठीक है आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ठीक है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दूसरी जो योजना थी डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये आपकी दूसरी योजना थी ओके सो एन एफ एस एम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज दिच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ग्रीन रिवोल्यूशन इसको ग्रीन रिवोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करा गया था ये योजना जो थी खा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन डी स्टूडेंट्स uh, ये आपकी लेके आई गई थी ये योजना लाई गई थी आपकी हरित क्रांति के तहत भारत में ठीक है चलो और कौन कौन सी स्कीम थी तो भाई और जो दूसरी योजना आई थी एनएमएसएसए कौन सी थी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सतत कृषि के के लिए लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय मिशन मिशन क्या थी सतत कृषि ये आपकी दूसरी योजना थी ठीक है ये आपकी तीसरी योजना है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कि भाई आपका जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल रहे सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है गाइज आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ठीक है देखो जैसे फॉरेस्ट हैं जैसे जंगलों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पूर्वजों के ने भी उन पूर्वजों ने भी उनको प्रयोग में लाया हम भी उनको ला रहे हैं और हमारी बाद की जो, जो आएंगे वो भी उनको प्रयोग में लाएंगे तो उसको बोला जाता है सतत जो चल रहा है ठीक है उसको बोला जाता है सतत सस्टेनेबल इज एक्चुअली कि जो आपके एंसेस्टर ने भी यूज किया यू आर आल्सो यूजिंग एंड योर फर्दर जनरेशन विल आल्सो Use. आपकी फॉर्दर जनरेशन जो है वो भी उसको क्या करेगी guys? करेगी बात समझ में आई ठीक है अब देखो आ, इसके बाद आती है आपकी एस एम एस एम ए का मतलब होता है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है कृषि विकास पर प्रस्तुतिकरण ठीक है कृषि विकास पर प्रस्तुतिकरण ये आपकी अगली स्कीम थी अः देखो गाइज मेरी एक्चुअली क्लास में मेरा स्पेशल सेशन होता है जो आपका आईसीआर से ही रिलेटेड टॉपिक्स पे होता है और मेरे जितने भी टॉपिक्स होते, है, होते हैं जितने भी सेशन होते हैं गाइज ये आपके आईसीआर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है

एसएमएसपी दैट इज सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल क्या है सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल तो ये योजना है डियर स्टूडेंट आपके बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन क्या है बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन दैट इज सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटेशन मिशन ठीक है ये आपकी नेक्स्ट स्कीम है तो गाइस ये आपकी कुछ स्कीम्स थी जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर थी ठीक है तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है ठीक है देखो अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं आए हैं तो दैट्स ओके okay, बट आपके जब आ, रिजल्ट आपका आ, ये आ जाएगा आई थिंक फॉर्म में अगर आपसे अपियरिंग ले रहा है तो दैट्स ओके okay, कोई बात नहीं है तब तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो लेकिन अगर आपके फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स पूछ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है क्योंकि आपके मार्क्स अभी तक नहीं आए तो एक बार आप फॉर्म फिलिंग में देख लो ठीक है बाकी ये मैं कल के सेशन में आप लोग कल या नेक्स्ट सेशन में आप लोग को बता दूंगी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के कि आप एलिजिबल uh, हो जिनके मार्क्स नहीं आए या नहीं हो ठीक है गाइज ओके तो ये आपकी कुछ स्कीम्स थी गाइज जो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंडर थी इसके अलावा और भी आपकी स्कीम्स हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी एंड दीज स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है तो गाइज़ आज हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गाइज जो आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ठीक है कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है ठीक है हरित क्रांति क्या होता है ठीक है हरित क्रांति के जनक कौन है ठीक है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है ठीक है इसके अलावा ये आपकी इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स यूज करी जाती हैं ठीक है इसमें आपके कौन कौन सी क्रॉप्स यूज करी जाती हैं मतलब इसमें कौन कौन सी फसलें कौन कौन सी फसलों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस आपके ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ऑलमोस्ट हर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं आपके लिए ये सेशन लेके आई थी ओके गाइज एट द एंड ऑफ सेशन ये आपका आईसीआर सी आई असिस्टेंट वाला बैच है गाइज ओके okay, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जून में आपका एग्जामिनेशन की जहां तक प्रोबेबिलिटी है हो सकता है ओके okay गाइस तो आप लोग इस बैच में इनरोल कर सकते हो वाई डबल फोर सेवन ए कोड यूज करके ओके गाइस वाई डबल फोर सेवन ए कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ये आपका एक्चुअल प्राइस है लेकिन जब आप वाई डबल फोर सेवन ए कोपन कोड को अप्लाई करोगे तो ये ओनली टू थाउजेंड में आपको सिर्फ मिल जाएगा ओके okay गाइस तो आप लोग इसमें वाई डबल फोर सेवन ए कोड यूज करोगे तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा गाइस ओके okay? और मैं आपके लिए हमेशा स्पेशल सेशन जो आपके आईसीआर से रिलेटेड है जो आपके एग्जामिनेशन में कॉमनली पूछे जाते हैं आईसीआर के एग्जामिनेशन में ऐसे सेशन आप लोग के लिए लेके

जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे गाइज उतना ही आप लोगों को बाद में टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बैच में इन कर दो वाई डबल फोर सेवन ए कोड के साथ ताकि बाद में आप लोगों को ये ना हो कि मैम हमारा टाइम मैनेज नहीं हुआ ठीक है मैम हमारा टाइम मैनेज नहीं हुआ हम लोग नहीं कर पाए तो गाइज लास्ट मोमेंट पे सोचने से अच्छा है कि अभी टाइमली आप लोग बैच में इनरोल कर दो ओके टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो भाई ताकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े और गाइज ये बहुत वैकेंसी है ऐसी वैकेंसीज़ देखो बार बार नहीं आएंगी इसलिए बहुत अच्छे से जान लगा दो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है ठीक है तो वाई डबल फोर सेवन ए कोड यूज करके आप लोग गाइस इस बैच में इनरोल कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए आई, स, आ, आई सी आर आई आर आई की तो आप लोग को वाई डबल फोर सेवन एस कोड यूज करना है ठीक है अगर आपको टेस्ट सीरीज और बुक्स भी चाहिए तो आप लोग गाइज वाई डबल फोर सेवन एस कोड वहां पर यूज करोगे और आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर आपको बुक्स जो है आई सी आर आई आर आई असिस्टेंट की इजिली अवेलेबल हो जाएंगी ओके गाइज तो आप लोग वाई डबल फोर सेवन एस कोड यूज करोगे टेस्ट सीरीज के लिए बुक्स के लिए और वाई फोर सेवन ए कोड यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए जो आपका बैच है जब आप उसमें इनरोल करोगे ओके गाइज तो ये आपका आज का सेशन था बाकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट